हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फटे पुराने दुपट्टे का यूज। यह दुपट्टा फेंका बहाया जाता है, यानी कि आपके पास भी पुराने दुपट्टे हो जाते हैं तो आप फेंक देते हैं। आज हम आपको इसका बहुत ही अच्छे तरीके से यूज बताएंगे, और इस तरीके का गत्ते का भी एक यूज करना है। तो चलिए, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, हमें चाहिए होगा कि एक पुराना दुपट्टा, और उसके बाद हमें इस तरीके का एक कार्डबोर्ड चाहिए होगा, और हैंगर, दो हैंगर चाहिए होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इससे क्या बनाते हैं, कौन सा ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन करके रेडी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गत्ते को पहले रख देंगे उधर, और हैंगर को भी रख देंगे। सबसे पहले हमें दुपट्टे का काम है। दुपट्टे को हमें ले लेना है, सबसे पहले इसे फैला लेना है। दोस्तों, ये दुपट्टा हमारा चिंगुड़ गया है, लेकिन आप लोग इसे प्रेस कर सकते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है, दो दो बच्चे हैं पास में, तो हम इतना नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हमें इसे इस तरीके से डबल कर लेना है। डबल करके इसे ऐसे फैला देंगे। शायद तो ये आप लोग देखे भी होंगे, या ऑर्गेनाइज़र बना करके आप लोग ट्राई भी किए होंगे, लेकिन हम अभी बना रहे हैं तो आपको दिखा दे रहे हैं। और इसे फैलाने के बाद आप इसे चाहे जितना बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और उसके बाद हैंगर को इसमें डाल देना है, और ये जो दुपट्टा हम फैलाए हैं उसे इसमें इस तरीके से पहना देना है। और फिर यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। हुई आप चाहे तो सुई धागे की मदद से सिलाई लगाएं इस तरीके से, नहीं तो आप इसमें सेफ्टी पिन की मदद से भी टांग सकते हैं। तो हम इस तरीके से इधर सिलाई लगा दे रहे हैं। और हाँ दोस्तों, ये बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव ज़रूर शेयर करना, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरफ हमने टांग दिया है, इसी तरीके से आपको टांगना है। और फिर यहाँ पर हम गांठ लगा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इधर हमने टांग दिया है, इसी तरीके से उस साइड भी करना है। और ध्यान रखना है, ध्यान ये बात का रखना है, ये जो हैंगर हम लगाएंगे, हैंगर का जो माउथ होगा दोनों एक साइड में होना चाहिए, नहीं तो भूल करके ऐसे लगा देते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो इसी तरीके से हमें उधर भी लगाना है। तो चलिए हम उधर भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों, हैंगर लगाने के बाद इधर भी ठीक उसी तरीके से सिलाई करना है। ऐसे हम उस तरफ सिलाई लगाए थे, ठीक उसी तरीके से हमें इस तरफ भी सिलाई लगा लेना है। तो दोस्तों देखिए, हमने इधर भी सिलाई लगा दिया है। उसके बाद हमें ये कार्डबोर्ड चाहिए होगा, तो इसे हम थोड़ा सा काट लेंगे। थोड़ा बड़ा कार्डबोर्ड होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन अगर आपके पास यही है तो आप इसी से भी काम चला सकते हैं। और उसके बाद इसमें आपको कार्डबोर्ड को डाल देना है बीच में, बीचों बीच यह काम आपको करना है। बीच में इसे डालने के बाद फिर से आपको वही काम दोहराना होगा, यानी कि सिलाई करनी होगी यहाँ से इस तरफ से। कार्डबोर्ड के किनारे पर आपको दोनों तरफ सिलाई करनी होगी। आप चाहे तो धागा थोड़ा बड़ा बड़ा ही मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत महीन बहुत बारीक सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा इसे फंसाना है। ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरफ सिल लिया है, इसी तरीके से इधर और इधर दोनों साइड में हम सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, कार्डबोर्ड को हमने तीनों तरफ से सिल लिया। अब ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बन करके रेडी हो गया, आप लोग देख लीजिए। अब इसे आपको इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अलमारी में हम कपड़ा जब भी रखते हैं तो इधर उधर फैल जाता है, और जब एक कपड़ा निकालते हैं तो दो चार नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरीके से अलमीरा में इसे टांग देना है। आप इस तरीके से रखने के बाद आप इसमें ढेरों सारा कपड़े रख सकते हैं। ऐसे आप कपड़े रखते जाएंगे, और ये आपका कपड़ा वाला एक अलमीरा बन करके रेडी हो गया। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अलमीरे में बहुत सारा जगह बचा सकते हैं, और बहुत ही सारा कपड़ा।
तो दोस्तों इस तरीके का एक आप जरूर बनाइए ऑर्गेनाइजर। इसमें आप ढेरों सारा कपड़ा रख सकते हैं, आप बिना अलमारी के भी इसे रख सकते हैं, आप कहीं बाहर भी टांग करके कपड़े को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ यूजफुल टिप्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।